प्रदेश में पिछले दिनों में फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती को लेकर सियासत चल रही है। फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती परीक्षा का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। बीते दिनों फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा होने के बाद ओएमआर सीट और प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। वहीं मामले पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुलिस की कार्यशैली के बाद जिस तरीके से कार्रवाई पुलिस ने इसमें की थी, आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की बात कहते वो दिखाई दिए। परीक्षा रद्द करने की बात को सिरे से खारिज किया है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि भर्ती होने से युवाओं को नए रोजगार के संसाधन उपलब्ध होते रहेंगे। वहीं भर्ती परीक्षा में हुई धांधली के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रदेश अध्यक्ष प्रतिम सिंह के नेतृत्व में राज्यपाल से राजभवन में मुलाकात की गई। उन्हें एक ज्ञापन सौंपा गया। प्रतिम सिंह ने कहा कि 3 साल में पहली बार भर्ती आयोजन हुआ जिसमें घपला हो गया, घोटाला हो गया। ओएमआर सीट को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हुए ये सीट मुख्यमंत्री ने खारिज किया, रद्द करने वाली जो बात विपक्ष लगातार कह रहा था कि फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती हुई है जिसमें घपला हुआ है उस परीक्षा को रद्द किया जाए। ये अत्यंत कष्टदायक हुआ है, लेकिन मैं अपनी पुलिस को बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने समय पर उसे पकड़ लिया। अब उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। भर्ती रद्द करना समाधान नहीं है। अगर जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो पकड़ लिए गए हैं तो मैं समझता हूँ कि भर्ती होती रहेगी, तो हमारी जो नए बच्चे, जो हमारे बच्चे रोजगार चाहते हैं उनको रोजगार मिलता रहेगा। 3 साल के अंतराल में पहली बार इस राज्य के अंदर भर्ती खुली और उस भर्ती में इस तरीके से खुलेआम भ्रष्टाचार हुआ हो तो ये सरकार की कार्य प्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। हमने राज्यपाल महोदया जी से कहा कि इस प्रकरण की जाँच हो और जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ सब कार्रवाई भी हो और साथ साथ जो है परीक्षाएं निरस्त कर दी जाए। तो कांग्रेस राज्यपाल को सौंपा है ज्ञापन, रद्द हो सकती है फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की परीक्षा। लेकिन मुख्यमंत्री, एक सवाल है अभी भी, क्योंकि दबाव लगातार कांग्रेस बना रही है इस भर्ती को लेकर। राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है, रद्द करने की मांग की है, क्योंकि सरकार ने साफ तौर पर यह कह दिया कि युवाओं को रोजगार देने के संबंध में परीक्षा है तो ये रद्द नहीं होगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को आपने सुना, ओएमआर सीट और प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। हालांकि पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है। उधर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खारिज कर दी है परीक्षा को रद्द करने वाली मांग। इधर कांग्रेस ने राज्यपाल को सौंपा है ज्ञापन। अजीत कांबोज जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी, इसी खबर पर अपडेट उनसे हम लेते हैं। अजीत, क्या कुछ जानकारी अब निकल कर आ रही है? कांग्रेस से आरोप लगा रही है कि 3 साल हो गए सरकार को, कोई भर्ती सरकार ने निकाली नहीं, एक भर्ती की तो उसमें भी घपला हो गया। बिल्कुल पंकज, ये एक बड़ी परीक्षा थी जो इसी रविवार को पूरे प्रदेश भर में आयोजित की गई। लगभग 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठे। वन विभाग की फॉरेस्ट गार्ड को लेकर ये भर्ती परीक्षा थी और पेपर शुरू होने के कुछ ही देर बाद प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट जो थी वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तो कहने की ये बड़ा सवाल था सरकार की जो सुरक्षा तंत्र है परीक्षाओं को लेकर, उस पर ये सवाल खड़ा हो गया था कि कैसे परीक्षाएं उत्तराखंड में आयोजित की जाएंगी। 3 साल के कार्यकाल में एक बड़ी परीक्षा उत्तराखंड में आयोजित की गई और वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ऐसे में तत्काल पुलिस ने भी कार्रवाई की है। हालांकि जो संलिप्त लोग थे, जो आरोपी थे, उनको पकड़ने का दावा पुलिस की तरफ से किया गया है कि आरोपों को पकड़ लिया गया है जिन्होंने प्रश्न पत्र को लीक कराने जैसा काम किया है। और मुख्यमंत्री से जब इस बाबत सवाल किया गया तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी पुलिस की पीठ थपथपाई है और साथ ही परीक्षा रद्द करने जैसी मांग को भी सिरे से खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश में अगर ऐसे ही भर्ती परीक्षाएं रद्द की गई तो आने वाले भविष्य में युवाओं को रोजगार के संसाधन कैसे उपलब्ध होंगे। परीक्षाएं रद्द करना कोई समाधान नहीं है। हालांकि तत्काल कार्रवाई जो पुलिस ने की है उसके चलते जो संलिप्त लोग थे उनको गिरफ्तार किया गया है और वो भी मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि जो भी आईपीसी के तहत कड़ी से कड़ी सजाएं होंगी वो इन आरोपियों को दी जाएंगी, पीछे नहीं हटा जाएगा। तो अब सरकार की तरफ से
अपनी जो चीजें थी वो स्पष्ट कर दी गई हैं। हालांकि कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है और मांग जरूर की है कि भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए और संलिप्त लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और सरकार की तरफ से जो चीजें सामने रखी गई हैं, जो आरोपी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और भर्ती परीक्षा रद्द करने जैसी मांग को मुख्यमंत्री खुद खारिज कर चुके हैं। तब देखना यही होगा कि मुद्दा जरूर उछला है और कांग्रेस ने लपकने का काम भी किया है। प्रदेश के भीतर बड़ी परीक्षा थी, आयोजन भी हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पर कैसे ओएमआर शीट या प्रश्न पत्र लीक हो गया, इसको लेकर भी सवाल जवाब जरूर उठेंगे। पुलिस की जांच, हालांकि पकड़ में आ चुके हैं आरोपी, लेकिन जांच अभी जारी है और इसके पीछे जो भी और लोग जुड़े होंगे उन पर भी कड़ी कार्रवाई करने का दावा किया जा रहा है। नजर बनाए रखिएगा अजीत, फिर आएंगे आपके पास अपडेट के लिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।